फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले से यानी 17 जनवरी से मैं अपने घर के छत के ऊपर मकान का काम चला रहा हूं, तो उसी को लेकर यहां पर मैं आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार मैं आप लोगों के लिए कई प्रकार के टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूं, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आप ये जो मकान बनाने की प्रक्रिया है इसकी टेक्नोलॉजी भी आप जब देखोगे ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। किस तरीके से कारीगर लोग काम करते हैं, किस तरीके से मकान बनता है, इसकी मैं आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को मैं बहुत पहले पब्लिश करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश फ्रेंड्स मैं इसको पब्लिश नहीं कर सका था उस वक्त। लेकिन कुछ भी हो फ्रेंड्स, यार ये आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो प्लीज यार इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हो सकता है आपको इससे कुछ सीखने को मिले। क्योंकि यार फ्रेंड्स ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और हो सके तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस सोलर सिस्टम को हटा रहा हूँ, और ये हमने एक वीडियो के अंदर लगाया था जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से था, अपने घर पर सोलर सिस्टम खुद कैसे लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही फास्ट तरीके से इस सोलर सिस्टम को हटा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इतना फास्ट कोई काम कर सकता है। मजाक कर रहा था यार, यहाँ पर मैंने मोबाइल को टाइम लैप्स पे कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक एक करके तीनों सोलर पैनल हटा दिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं से काम स्टार्ट होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं घर की छत के ऊपर और देखते हैं कि कारीगर लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, ये आदमी उल्टा कैसे हो रहा है यार। खैर, ये है हमारे राकेश जी, जो कि कारीगरी का काम करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और इनके साथ है सूरज जी और बाकी मजदूर लोग हैं। तो इनके लिए आ गई है सुबह की चाय भी, क्योंकि यार आप लोगों को पता है यार जो कारीगर लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको चाय चाहिए ही चाहिए। तो आगे का वीडियो फ्रेंड्स आप देखते रहिए, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर घर की छत से पहला माला कंप्लीट होने वाला है, और जो छत है उसका काम चालू है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मजदूर लोग इसके बिना नहीं रह सकते, और देखिए कितनी खुशी मिलती है इसके अंदर इनको। तो यहाँ पर लोहे के द्वारा छत को बांधा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे लोहे के सरिये लगेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो रही है बिजली के पाइपों की फिटिंग, जो कि हमारे कान्हा जी कर रहे हैं। तो ये है 7 फरवरी का दिन, और आज डलेगी घर की छत। तो उसके लिए यहाँ पर सीमेंट, बजरी और रोड़ी आ चुकी है।
तो यह है ठेकेदार पूर्ण जी और इन्हीं को दिया गया है घर बनाने का पूरा काम। बहुत मेहनत लगन और जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर आप घर की छत के नीचे का नज़ारा भी देख लीजिए। और फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो छत है वो डल के तैयार हो गई है और उसके ऊपर अभी मैं पानी भर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये पानी इसलिए भरा जाता है ताकि जो छत है वो मजबूत रहे, साथ ही उसमें दरारें ना पड़े। यहाँ पर सर्दियों के दिन है तो 7 से 8 दिन पानी भरा रहेगा और अगर गर्मियों के दिन होते तो 10 से 12 दिन भरना ही पड़ता। तो फिलहाल यहाँ पर बन गई है ईंटों की सीढ़ियाँ, साथ ही इसके ऊपर वाले माले का काम भी चालू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही मेहनत के साथ में ईंटें लाई जा रही है। तो आज हमारे जो ठेकेदार जी है किसी नव निर्माण मकान के अंदर गणेश स्थापना करके आए हैं, तो उनका आज कुछ अलग ही रूप देखने को मिला। तो छत को डाले हुए 20 दिन कंप्लीट हो चुकी है और आज घर की छत खोली जा रही है। बहुत ही रिस्क का काम है तो बहुत सावधानी से भी करना पड़ता है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर एक झलक। तो यहाँ पर ऊपर बनाया है मैंने सिर्फ 2 रूम और 1 टावर और आज यहाँ पर छत बांधी जा रही है इनकी भी, साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ बाथरूम टॉयलेट और पानी के पाइपों की भी फिटिंग हो रही है। तो फाइनली एक और छत डलना स्टार्ट हो गई है और अब की बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं राकेश जी, जो कि हमारे ठेकेदार जी के लड़के हैं। तो दोनों रूम से लेके और टावर तक एक पुल सा बांधा गया है जहां पर पहुंचाया जा रहा है रोड़ी बजरी और सीमेंट का मसाला, क्योंकि मशीन फ्रेंड्स एक ही तरफ लगी हुई है। तो फाइनली ये छत भी डल के कम्प्लीट हो गई है और यहाँ पर 20 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं इसके भी। तो यहाँ पर जो दोनों ऊपर कमरे बने थे और एक टावर बना था, उसके लिए यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ बना ली है और उनको क्रेन के द्वारा ऊपर रखा जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और अगर आप इसका आगे का भाग देखना चाहते हो तो आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका आगे का भाग जरूर लेके आऊँगा।